प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इस 9 साल के कार्यकाल को लेकर विपक्ष कई तरीके से राजनीतिक आरोप भी लगा रहे हैं। तो कई सारी उपलब्धियां भी हैं। मोदी सरकार की अहम योजनाओं में एक है उज्ज्वला योजना, जिसको लेकर दावा किया जाता है कि इस योजना की वजह से BPL परिवारों में सिलेंडर पहुंचा, लेकिन इस योजना में भी कई सारे आरोप लगे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र में मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो रहे हैं। एक तरफ BJP 9 सालों को उपलब्धियों के तौर पर देख रही है, तो वहीं विपक्ष इसे सिरे से नकार रहा है। बात करें PM मोदी की अहम योजनाओं में से एक उज्ज्वला योजना की, तो इसके तहत BPL परिवारों तक LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए गए, लेकिन सरकार की इस योजना पर कई सारे आरोप भी लगे हैं। बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय का कहना है कि ये योजना तो अच्छी थी, लेकिन ये सफल तब होती जब गरीब परिवारों को सस्ती दर पर सिलेंडर मुहैया कराया जाता। आज LPG सिलेंडर की कीमत आसमान छू रही है, लिहाजा उज्ज्वला योजना के तहत गरीब के घर में LPG सिलेंडर शोपीस बनकर रह गए हैं। तो वहीं RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का भी मानना है कि इस योजना को लेकर मोदी सरकार ने काफी प्रचार किया, लेकिन बढ़ी गैस की कीमतों की वजह से उज्ज्वला योजना ने दम तोड़ दिया है। 90-95% लोग तो गैस का उपयोग ही नहीं करते हैं, क्योंकि आज के डेट में जो गैस महंगा हुआ है तो उतना पैसा उनके पास है नहीं कि वो उसको खरीद के यूज कर सके, तो वो सब सिलेंडर गांव में पड़े हुए हैं और उसका मतलब यूज नहीं वो लोग कर पा रहे हैं। यूज वाला योजना एक तरह से कह सकते हैं कि एक फेल योजना था। अगर गैस का दाम कम होता अगर तो निश्चित रूप से हो सकता था कि इसका लाभ उन लोगों को मिलता। उज्ज्वला योजना को लेकर के जितना पीठ भाजपा केंद्र की सरकार थपथपाती है, उसका लाभ धरातल पर गरीबों को नहीं मिला। आदरणीय मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष हो गए, जितने वादे किए कोई पूरा नहीं किया, और 5 किलो अनाज के दम पर उज्ज्वला योजना, और गैस सिलेंडर का दाम कितना बढ़ गया। सुना आपने, विपक्ष ने साफ तौर पर उज्ज्वला योजना को सिरे से नकार दिया है। उनका मानना है कि बढ़ी हुई गैस की कीमतों की वजह से उज्ज्वला योजना ने दम तोड़ दिया है, लेकिन हकीकत क्या है हमने ये भी जानने की कोशिश की। लिहाजा न्यूज स्टेट की टीम पटना के इस्लाम बस्ती में पहुंची, जहां ये देखा कि उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को गैस सिलेंडर तो दिए गए हैं और लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन LPG सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर थोड़े मायूस भी नजर आ रहे हैं। कई सारी ऐसी योजनाएं थी जिसको लेकर मोदी सरकार काफी गंभीर दिखी, और उसी में एक योजना है उज्ज्वला योजना। इस योजना पर भी खूब राजनीति का आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, कितने लोगों तक पहुंचा और लोग क्या कुछ कहते हैं, सीधे हम लोग से ही जानेंगे। ये बताइए कि आप इस घर के मालिक हुए, बताइए कि उज्ज्वला योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण योजना, इस योजना का लाभ मिला है कि नहीं आप? जी मिला है, गैस मिला है फ्री में। उसके बाद जो है हम लोग गैस भराते हैं अपना, पहले लकड़ी पे जलाते थे, अब गैस पर अपना खाना बन। कब मिला? 5-6 साल हो गया, तारीख याद तो नहीं है, लेकिन 5-6 साल हो गया है। इस योजना से फ़ायदा लगा? फ़ायदा तो हुआ, लेकिन गैस का दाम तो बहुत हो गया सर, हैं जो मतलब सोच के हम लोग लिए थे, उतना गरीब आदमी है, 1200 रुपया लगता है गैस का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा। ज्यादातर लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ तो मिला, लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जहां पर अफसरशाही की वजह से इस अहम योजना का लाभ उन्हें नहीं मिला। एक उज्ज्वला योजना है जिसमें आपको गैस सिलेंडर फ्री मिलता है, आपको मिला है कि नहीं? नहीं मिला सर, न हम लोग के गैस सिलेंडर मिला है, न हम लोग का राशन मिला है। बार बार भरते हैं, बार बार कट कट जा रहा है, कहता है आधार कार्ड पर मिलेगा, तो आधारो कार्ड से जोड़वाए तो एक बेरी दिया 5 किलो अनाज, फिर जहना से बंद किया जाए तक ले हम लोग के 5 प्राणिक नहीं दे रहा है राशन कार्ड। बात केंद्र की योजनाओं की हो तो भला तंज कसने से कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती है? कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने तो 2 कदम आगे बढ़कर मोदी सरकार की सभी योजनाओं को ही फ्लॉप बता दिया। उनका तर्क है कि केंद्र सरकार अपनी नीतियों को लेकर स्पष्ट नहीं है, नोटबंदी करती है फिर नए नोट जारी कर वापस ले लेती है,
जीएसटी में कई बार संशोधन करती है, 2 करोड़ नौकरियों का वादा भूल जाती है। साथ ही पीएम मोदी की आवास योजना पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार जी की 9 सालों के 9 योजना के बारे में भी आप नहीं बता सकते जो धरातल पर आया हो, और प्रधानमंत्री जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनकी कोई योजना धरातल पर और जनोपयोगी नहीं रहा, नहीं तो उन्हीं के नोटबंदी को, अपने ही द्वारा चलाए गए 2000 नोट को पुनः अपने ही सरकार में बंद नहीं करना पड़ता। उन्होंने ही बोला था कि गैस सिलेंडर सस्ता होगा, 400 से 1200 हो गया। वही बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल लोगों को मिलेगा, 18 करोड़ लोगों का मिला का नहीं मिला, उनके बेरोजगार लोग हो गए हैं। अब विपक्ष के इन सवालों पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जो काम 9 सालों में कर दिखाया वो काम कांग्रेस अपने 55 सालों के कार्यकाल में नहीं कर पाई। विपक्ष में सिर्फ कमियां गिनाने की आदत है। विपक्ष अभी तक क्या किया है इसको पूरा देश समझ रही है। सवाल सिर्फ उज्ज्वला योजना का नहीं है, मैं तो कहता हूं कि सारी योजनाओं पे विपक्ष बैठ के बात कर ले कि 55 साल लगातार देश में कांग्रेस रही और देश को क्या मिला, और मात्र 9 वर्षों में देश को क्या मिला। देश की जनता इसको बहुत अच्छे तरीके से देखती है। आज देश की जनता सुकून की चैन सोती है। 9 सालों में मोदी सरकार ने कई डेवलपमेंट स्कीम्स को लागू किया जिन पर विपक्ष ने सवाल भी उठाए और राजनीतिक तौर पर खूब विरोध किया। अब देखना यह है कि मोदी सरकार अपने 9 साल की उपलब्धियों को जनता तक कैसे पहुंचाती है और साल 2024 में इन 9 सालों के कार्यकाल के लेखा जोखा का जनता कितना इनाम देती है। पटना से न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के लिए रितेश मिश्रा की रिपोर्ट।